कहूंगा। कहाँ चलो? चल चल। माँ बाबूजी, क्या है ये? तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। इस अनपढ़ बहू से शादी करवा के। अनपढ़? इतनी सोनी तो है भैया। अरे मैं अनपढ़ का कह रहा, सोनी का कह रहा है क्या? मैं सोनी की बात ही कर रही हूँ। मैं मैंने कहा था तेरी माँ को दहेज तो करना पड़ा, ढंगी लिया पढ़ी लिखी बहू, मन नहीं कहा चाहिए तो दहेज। आप ना चुप ही रहो, ठीक है भी नहीं? तू चुप रह ला, बूटी देख ला, मेरे बेटे की जिंदगी खराब कर दी। मुझे ही थोड़े पता था मेरी बेटी, देखना पड़ेगा। चाल ओढ़ंगी बनाती नहीं, खाना बनाती नहीं, पता नहीं क्या करेगी दुनिया में। अरे मैं तो ले आई थी, इतनी सुंदर सी बहू है। सुंदर को क्या देखा, मेकअप का कमाल है तो। पार्लर में जाओ 10 घंटे लगा का वो 5000 रुपए उड़ावा एक दिन में। बस रहने तो ससुर जी, आपकी वाली की तरह थोड़ा ही रहूंगी। आया तो है बुड्ढी बड़ी जैसी। मैंने क्या कहा, आप ना चुप ही रहो। माँ बाबूजी रुको। हाँ जी बता। अच्छा आप कह रहे हो ना ये होशियार है? हाँ जी। मैंने इससे दो सवाल करूंगा, अगर इसने जवाब सही दे दिया तो मैं मान जाऊंगा ये होशियार है। चल अच्छा बता, मैं तेरा कौन हूँ? हाय तोबा तोबा, तुम्हें इतना भी ना पता, तुम्हारे लोग हो लोग। चल पागल, मैं तेरा हस्बैंड हूँ, हस्बैंड। अच्छा चल अच्छा बता, तू मेरी कौन है? हाय राम, क्या पल्ले पड़गा, मैं थारी लुगाई हूँ, लुगाई। अच्छा पागल, तू मेरी वाइफ है, वाइफ। अच्छा ठीक है। माँ बाबूजी देख लो ये है इसकी समझदारी, मिल गई समझदार बहू? हाँ मिल गई। तेरी माँ की पसंद है इसलिए समझदार है उसकी नजर से। मैं तो सभी को देखा तुमने, अनपढ़ बहू लाने का नतीजा, इसीलिए कह रहा हूँ मेरी सलाह मानो, अपनी बहू बेटियों को पढ़ाओ लिखाओ जब उनकी शादी करो। धन्यवाद। बहुत बहुत।